राजस्थान में जनसभा अपने भाषण को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मुश्किलें गिरती दिख रही हैं। चुनाव आयोग ने प्रियंका को नोटिस जारी कर उन्हें 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी नेताओं ने प्रियंका पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रियंका ने ऐसा क्या कहा जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा? दरअसल प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को राजस्थान के दौसा का दौरा किया था, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। उस दौरान प्रियंका ने कहा, हाल ही में मैंने टीवी पर कुछ देखा, मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। प्रधानमंत्री देवनारायण मंदिर में गए थे और दानपत्र में एक लिफाफा डाला। लोग सोच रहे थे कि उसमें क्या होगा, लेकिन जब इसे खोला गया तो केवल 21 रुपये निकले। कहाँ से आई 21 रुपये वाली बात? दरअसल कुछ दिन पहले देवनारायण मंदिर के पुजारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पुजारी मंदिर का दानपत्र खोल रहे थे। पुजारी ने दानपत्र का एक लिफाफा दिखाते हुए दावा किया था कि यह पीएम मोदी ने दिया था और जिसमें 21 रुपए निकले। पीएम मोदी का नाम होने की वजह से वीडियो खूब वायरल भी हुआ। विपक्ष ने वीडियो के जरिए बीजेपी पर तरह तरह के तंज भी कसे। क्या है सच्चाई? बता दें कि इसी साल 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के भिलवाड़ा में स्थित देवनारायण मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी ने उस दौरान वहां पूजा अर्चना की और दानपत्र में दान भी दिया था। प्रधानमंत्री के इस वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब उस वीडियो की जाँच की गई तो पाया गया कि प्रधानमंत्री ने दानपत्र में लिफाफा नहीं डाला था, बल्कि उन्होंने उसमें कुछ नोट डाले थे। इससे साफ है कि पुजारी का दावा गलत है, जिसे लेकर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी हुई हमलावर। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के उस बयान को लेकर आपत्ति जताई थी। बीजेपी नेताओं ने प्रियंका के इस बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से प्रियंका पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया था। बीजेपी की शिकायत पर ही चुनाव आयोग ने प्रियंका को नोटिस दिया था, जिसका जवाब देने के लिए आयोग ने प्रियंका को 28 अक्टूबर का समय दिया है।